वीडियो में हम बात करते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्राइवेट लेबलिंग अंडर योर ब्रांड। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब आप किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को चूज करते हो, यानी कि आप जब अपना कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो आयुर्वेदा में वेलनेस से रिलेटेड हो, फार्मा से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, उसमें क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है? चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पॉइंट नंबर वन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कि जो फॉर्मुलेशन, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं उसकी क्वालिटी कैसी हो। क्या वो कंपनी जिससे आपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करानी, क्या वो आपको वो एक ऑथेंटिक क्वालिटी दे पाएगी? नंबर टू, प्रोडक्ट की पैकेजिंग। जैसे कि अगर आप मेरे सामने देखिए दीप आयुर्वेदा में हम किस तरीके की पैकेजिंग, किस लेवल तक की पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, किस हद तक हम डीप लेवल तक पैकेजिंग के ऊपर दिमाग लगाते हैं, आज की डेट में मार्केट के सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए कैसी कैसी हम पैकेजिंग अपने क्लाइंट्स को देते हैं, या किस प्रकार की बॉटलिंग हम दे सकते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। एंड तीसरा पॉइंट है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, यानी कि जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट कुछ बनवाने वाले हैं, क्या वो पूरे कंप्लायंस पूरे करता है? अब जैसे कि अगर मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करूँ, तो क्या उस कंपनी के पास आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, GMP सर्टिफिकेशन है, या अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, क्या दूसरी कंट्री के सेल जो भी कंप्लायंसेस है, क्या वो कंपनी पूरा करती है, जैसे कि USFDA, DGA या किसी दूसरी कंट्री का। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, क्रेडिबिलिटी। ये सब अगर आपने चार चीज़ें पूरी चेक कर ली तो आपका प्रोडक्ट बेहतरीन बन के आएगा एंड वो प्रोडक्ट आपका मार्केट के अंदर धूम मचा जाएगा।